यार बस्ती में तो कोई समीकरण नहीं है, बसपा जो है पांचों सीट बहुत भारी मतों से जीत रही है। बहुत भारी मतों से जी। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारा विजय रथ निकल रहा, आप कह रहे हैं। अच्छा 2007 में भी अखिलेश यादव बोल रहे थे और जो है बीजेपी के भी लोग बोल रहे थे, बसपा का कहीं अता पता नहीं दिखा रहे थे, लेकिन 2007 में बहुमत के साथ 2006 सीट पा करके हम लोग जीते थे। तो वही दोहराने वाले हो क्या इतिहास? उससे भी ज्यादा होगा, 2007 से भी ज्यादा जो है सीटों से हम लोग जीते। सर्वे 12-20 सीट दिखा रहा सर, पता तो दिया ना कि 2007 में भी इसी तरह से दिखा रहे थे कि बसपा कहीं कोई अता पता नहीं। बहन जी कह रही है जातिवादी मीडिया है, ये हमारे साथ ठीक नहीं करता। अब मीडिया का दोष नहीं दे सकते, मीडिया को जो सर्वे वाले एजेंसी है जो देते वही मीडिया के लोग दिखाते होंगे। सर जो प्रदेश भर में विकास हुआ है, क्या बस्ती में भी विकास हुआ है? प्रदेश भर में विकास हुआ, बस्ती में भी विकास हुआ। योगी जी कह रहे हैं आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, आप कांतिराम आवास योजना तो देखते ही होंगे। जो गरीबों को फ्लैट बना करके दिया गया, दो कमरों के रुपए में दिया गया। कितने में? 1 रुपए में रजिस्ट्री हुई थी। हाँ 1 रुपए खाली रजिस्ट्री हुई थी। तो यहाँ तो हर तरह से विकास हुआ। ये गड्ढे मुक्त हुई है सड़कें सर आपके यहाँ के? हम लोगों के समय में जो है गड्ढे मुक्त हुए थे, इस समय जो आप देख ही रहे हालत, हम लोगों के समय में नई सड़कें भी बनी थी। सर इस क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, मूलभूत समस्याएं जो जिनसे पीड़ित हैं लोग? बिल्कुल, क्षेत्र की मूलभूत समस्या है महंगाई है, जो है शिक्षा है, ये जो है बेरोजगारी है। सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी का ऑप्शन दे तो दिया प्रधानमंत्री जी ने कि पकोड़े तल लीजिए या पंचर लगा लीजिए, ये भी तो रोजगार ही है। उनका ये तो किसी से छिपा नहीं है, वो चाहते हैं कि जो है आगे न बढ़ सके, जैसे पहले था उसी तरह से फिर हो जाए, तो उनकी तो मंशा है। लेकिन आपने देखा होगा हमारे समय में बहन जी ने बेतहाशा रोजगार दिया, पद नहीं था, नया नया पद सृजित करके किसान मित्र, विज्ञान मित्र, पंचायत मित्र, शिक्षा मित्र, नया नया पद सृजित करके तमाम लोगों को जो है लाखों लाख लोगों को नौकरी देने का। सर आपका बड़ा तजुर्बा है राजनीति में, आपको लगता है सर काम पे वोट मिलता है उत्तर प्रदेश में? जी काम पे वोट मिलता है। फिर बहन जी को वोट क्यों नहीं मिला 2012 में या फिर 2017 में? अब इतना खूबसूरत झूठ परोसे कि हम सारा काला धन लाएंगे सबके खाते में, 15-15 लाख रुपया हो जाएगा, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, तो 2 करोड़ के हिसाब से 17 करोड़ भर्ती होना चाहिए, लेकिन 200 की भर्ती नहीं निकाले, निकालते तो भर्ती लीकेज हो जाती है, और लीकेज नहीं होती, लीकेज कर दी जाती है, क्योंकि नौकरी देना नहीं, अगर नौकरी देना तो तनख्वाह भी देना पड़ेगा। सर आपने रोजगार की बात करी, सरकार करी, हम मंदिर बनवा तो रहे इतना अच्छा अयोध्या में, मंदिर बनवा रही है तो जान ही रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं रामलला आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, रोजगार के सवाल पर वो। हाँ तो आपने कभी इधर गया देखा जो है अयोध्या में मंदिर बन गई? कहाँ बन गया अभी? कब आदेश हुआ कोर्ट का? वो कोर्ट का आदेश कब हुआ? तो 2 साल हो गए। और ये भी बता रहे थे कि सब खाली नट बोल्ट पे कसना खाली है, सारा चीज तराश के रखा हुआ है, फिर भी 3 साल बीत गया अभी मंदिर नहीं बना। इनकी तो जमीन ले रहे हैं ना सर, वो जमीने ले रहे हैं अभी अड़ोस पड़ोस की। अरे जमीन जितना चाहिए उतना जमीन वो ले चुके, तमाम सैकड़ों मंदिर गिरा चुके एक मंदिर बनाने के लिए। सर बच्चे रोजगार की बात कर रहे हैं आज जी, सरकार कह रही है कि रोजगार तो है नहीं हमारे पास, लाठी चार्ज कर देते हैं वो इलाहाबाद में, आपने भी देखा होगा खबर। हाँ तो देखा हमने, कांवड़िया के लोग जाते हैं तो फूल बरसाया जाता है, और ये लोग रोजगार मांगते तो लाठी बरसा। आपकी टक्कर किससे है? हमसे तो किसी का टक्कर नहीं, जो लड़ रहे हमसे लड़ रहे हैं, जो भी लड़ रहा है बीएसपी से लड़ रहा है, बीएसपी से लड़ रहा, टक्कर नहीं है। लोग कह रहे हैं कि बहन जी लेट हो गई है। अब आप लोग खाली जानते होंगे, हम लोग तो क्षेत्र में घूमते हैं ना। ये आवारा पशुओं की दिक्कत है क्या यहाँ भी सर? आवारा पशुओं हर जगह दिक्कत है,
यहाँ पर भी, यहाँ पर किसान तो सो नहीं पाते होंगे रात को, रात में कहाँ सो पाते हैं बेचारे। तो वोट फिर बीजेपी को क्यों दे रहे हैं जब इतनी समस्याएं हैं? तो कहाँ कौन दे रहा है वोट, देख रहे हैं दौड़ा रहे हैं सब जहाँ जा रहे हैं बीजेपी के। ये तो आप लोग दौड़ा रहे हैं ना, विपक्ष वाले, विपक्ष वाले थोड़ी दौड़ा रहे हैं, जनता दौड़ा रही है। आप लोग डंडा उठाते हैं, उन पे पत्थर फेंकते हैं, जनता दौड़ा रही है, जनता। सर ये किसान मुद्दा भी रहेगा कि इस बार जो किसान आंदोलन चला पिछले एक साल तक, क्यों नहीं किसान परेशान है, उनकी आज दूना करने की बात करते थे, दूना करने के बजाय खाद जो 50 किलो बोरी था 45 कर दिए, वजन भी घटा और दाम भी कई गुना बढ़ा दिए। पूर्वांचल का ब्राह्मण किस तरह का? बसपा के साथ है। बसपा के जी ठाकुर, ठाकुर भी हमारे बसपा के साथ सर्व समाज के लोग हैं। सर्व समाज के जी, ये नारा ही रहेगा या फिर कुछ हो पाएगा इसका? अब 10 तारीख को देखिएगा, बसपा सरकार बनाने जा रही है, चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे। बिल्कुल चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे, जैसे 2007 में सब चौंक गए उसी तरह से 10 मार्च को भी सब चौंकेंगे। लोग कह रहे हैं अगर 100 सीट भी आएगी बहन जी की ना, तो बीजेपी से समर्थन कर लेंगे बहन जी। जब 100 सीट आएगी तब ना हम बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, बहुमत के जी, पूर्ण बहुमत के ही। सर आप बनाने जा रहे हो, अखिलेश यादव के यहाँ मंत्रालय बट रहे हैं, विजय रथ निकल गया। हाँ तो कहा तो था 400 सीट कह रहे, 2007 में भी तो ऐसे सब चिल्ला रहे थे सर, 400 सीट कह रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का तो यादव पूरा साथ नहीं दे रहा, क्या बात कर रहे हो विधायक जी। इस बार जो टिकट उन्होंने बंटवारा किया है उनसे यादव भी नाराज, मुस्लिम भी नाराज। वो थोड़ी गलती हो गई है उनसे सर, थोड़ी नहीं है, भारी गलती है। थोड़ी गलती कैसे, जहां मुस्लिम को टिकट दिए थे उसका फायदा आपने उठा लिया। हाँ टिकट वो काट करके दूसरे को दे दिए तो मुस्लिम उनसे नाराज हो गया। और जहाँ यादव शुरू से समाजवादी का काम करता चला आया और उसको टिकट नहीं मिला, तीसरे को दे दिया जो दूसरी पार्टी से आए, तो यादव भी नाराज। तो उनका तो धरातल ही खिसक गया, किस तरह से वो विजय रथ लेके चले। वो थोड़े से गड़बड़ाया और आपने फायदा उठा लिया उनका। अरे हमने फायदा नहीं उठाया, वो जो है बसपा की विचारधारा की, बसपा ही एक ऐसी पार्टी है, नहीं बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसका नारा ही है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हमें हिस्सेदारी भी तो देना था, फायदा तो हमको कुदरत ने दिया। सर इस बार हवा चल रही है कि मुस्लिम मतदाता जो है ना वो साइकिल पे वोट जा रहा है, ये सच है बात? कह तो दिया। हाँ। आपको मंडल में कहीं दूर न जाइए, मंडल में कहीं नजर आ रहा, दूर न जाओ मंडल में ही कहीं नजर आ रहा है उनको कि मुसलमान साइकिल पे वोट करने जा रहा है। इधर वैसे झंडे कम नजर आ रहे हैं हमें सपा के, तो आपकी बीजेपी से टक्कर माना जाए? हमसे सबका टक्कर है, हमारा बीजेपी से टक्कर नहीं है।